नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस AMS संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और हर बार की तरह इस बार भी आप कक्षा 6 के बिहार बोर्ड के कक्षा 6 का गणित पढ़ने आए हैं। ये अध्याय 2 है और एक्सरसाइज, ये एग्जांपल एक्सरसाइज है 2.3, संख्या रेखा पर योग। इससे पहले हम लोगों ने पूर्ण संख्या को पढ़ समझा कि टाइम लाइन पे संख्या रेखा पे कि क्या होता है पूर्ण संख्या। आज के क्लास में हम लोग उसी पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पे ऐड करना सीखेंगे। जब हम किसी अंक को, किसी संख्या को जब हम ऐड करते हैं तो वो किस तरह से ऐड होता है। सपोज अब आपको 4+8 दिया जाता है तो आप कहते हैं 12, तो ये होता कैसे है, ये 4+8 मिलके 12 हो कैसे जाता है, इसको सीखना है। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक टाइम लाइन बनाना है। इस टाइम लाइन में मतलब ये एक संख्या रेखा है, इस रेखा पे हम संख्याओं को पुट करेंगे। जैसे ये 0 हो गया, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इस पे हमको क्या करना है, अभी हमने आपको क्या बताया था कि 4+8=12, ये भाई हो कैसे गया। तो अब इस टाइम लाइन पे आते हैं तो ये हमारा 4 है, नहीं तो 4 में कितना 8 को ऐड करना है। आपको इससे पहले के क्लास में मैंने बताया है कि हर एक में एक एक यूनिट है, तो यहाँ पे 8 यूनिट चाहिए हमको। तो हम इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में हम कहाँ चले आए, इस 4 से उठ के इस 8 यूनिट लेने में हम कहाँ चले आए, 12 पे चले आए ना। तो जब हम 4 इकाई में इस 8 इकाई को ऐड कर दिए तो हम 12 पे पहुंच गए। इस तरह से आपकी बुक में और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि 5+8 है, तो 5+8 है तो उसको कैसे कर लेंगे, ये हमारा 5 है, 5 में 8 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मगर हो कैसे जा रहा है, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6, 7 और 8, 8 इकाई को हमने ले लिया। अब इस 8 इकाई को जब लेके हम किस टाइम लाइन पे पहुंचे, 13 पे, इसका मतलब है ये 13 होगा, बात समझ रहे हैं। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें और कुछ भी ऐड करना है, जो भी ऐड करना है आप चाहेंगे, जितना भी अंक को आपको ऐड करना है उसको टाइम लाइन पे आपको दर्शाना है, आप इस टाइम लाइन को अनंत तक लेके जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लेते हैं, कहते हैं कि 2+5 करते हैं, 2+5, तो ये जो 2 है इस 2 में 5 इकाई को ऐड करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 इकाई को जब 1, 2, 3, 4, 5, 5 कितना आया 7, ये कितना हो जाएगा 7, कैसे हो जाएगा देखिए, ये तो 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हो गया ये 7। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से टाइम लाइन पे ऐड किया जाता है। अब आपके बुक में देखिए दिया हुआ है कि स्वयं करके देखें, 5+4, कर लेते हैं 5+4, ये 5 है, इसमें 4 को ऐड करना है, तो 1, 2, 3, 4, 4 कहाँ पे आ गया 9 पे, तो 5+4=2 कितना हो गया 9 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, 9+6, अब टाइम लाइन में अगर जगह नहीं होगा तो आगे बढ़ाना होगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, चलिए 6 है, 6 में कितना आ गया 15, तो 9+6=15 हो गया।
नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, 3 + 5 3 + 5 दिया हुआ है, तो हम 3 टाइम लाइन पे आ गए और इसमें ऐड कितना करना है, 3 + 5 = 5 टाइम्स आपको दाई ओर जाना है, तो 1 2 3 4 5 8 आ गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, फिर नेक्स्ट एड है 2 + 8 क्या है, 2 + 8 यानी 2 पॉइंट पे, 2 टाइम लाइन पे 8 इकाई आपको दाई ओर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पे आ गए, = 10। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए 7 + 5 है, 7 + 5 है, 7 हमारा यहाँ पे है, इसमें 5 इकाई को ऐड करने का रहा है, 1 2 3 4 5 12 आ रहा है, तो 7 + 5 = 12 समझ में आ रहा है किस तरह से ऐड हो जा रहा है। लास्ट है देखिए आप में 9 + 3 9 टाइम लाइन पे आना है आपको, 9 टाइम लाइन हमारा ये है, इसमें 3 इकाई को ऐड करना है, तो कितना पे आ गए, 12 पे, तो 9 + 3 = क्या हो गया, 12 आंसर आ गया आपका। कैसे ऐड हो रहा है समझ में आ रहा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऐड करना, टाइम लाइन पे ऐड करना, कितने भी बड़ी संख्याओं में, कितने भी बड़ी संख्याओं को, छोटी संख्याओं को ऐड करना है आप टाइम लाइन के मदद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ समझने के लिए होता है। जब आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आपके मन में ये विचार होता है कि आखिर 8 में 4 को ऐड करने से 12 कैसे हो गया, तो समझने के लिए 8 ये है, इसमें आप 4 को ऐड करते हैं तो 4 यूनिट्स आपको चाहिए, 4 इकाई आपको चाहिए, तो आप 12 पे आ जाते हैं, तो 12 आपका आंसर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, तो आज का ये क्लास यहीं पे विराम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग घटाव या व्यवकलन सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, टाइम लाइन पे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से, इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इस नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब में तो मैं आपको मिल जाऊंगा, तो आप वहां से जाके इंग्लिश सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं और 6th क्लास का इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।